चलिए सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ लेसन 2 पार्ट 3। पिछले दिन मैं पढ़ाया था शून्यांकों के गुणन, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, आज उसी के संबंधित है प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब आपको पहले शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद शून्यांकों के गुणांकों के बीच में संबंध। तो देखिए, मैंने इसके लिए 6 सवाल है, इसमें से मैं एक लगाऊंगा और अन्य सब उसी के सहारे आप लगाएंगे। देखिए सॉल्यूशन, पहला सवाल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये सवाल है, आपको शून्य निकालना है। शून्य का मतलब बराबर शून्य, पहले से आप लिख दीजिए बराबर शून्य। यह है द्विघात समीकरण, आपने इसको कक्षा 8 से ही पढ़ा होगा कि जो यहाँ पर होता है अचर पद इसका गुणा होता है x स्क्वायर के बगल में। 8 × 8 8 हुआ, 8 का 2 फैक्टर करो, जो घटाने पर 2 आवे, तो 4 × 8 चार में से 2 गए, 2 आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 8 बराबर 0। x स्क्वायर यहाँ जाएगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसमें से देंगे कॉमन x, x माइनस 4 धन, यहाँ पर 2 कॉमन होगा, x माइनस 2 × 8 ऋण 4 बराबर 0। तो x ऋण 4 कॉमन है, आएगा x धन 2 बराबर 0। तो अब लिखेंगे यदि x ऋण 4 बराबर 0, यह बराबर 0, तो x बराबर हो गया 4 तथा x धन 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। जो x का 2 वैल्यू आया है, एक क्या है शून्यक है, शून्यक या इसी को क्या बोलते हैं मूल भी, क्या बोलते हैं मूल, मूल या शून्य। तो आपका मूल या शून्य आ गया 4 और ऋण 2, ये आपका सवाल हो गया यहां तक। अब आपको क्या है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो यहां पर सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो क्या होता है शून्यांकों का योगफल। मान लीजिए यह क्या अल्फा बराबर हो गया 4 हो गया, बीटा बराबर माइनस 2, यह शून्यांक, यह शून्यक है। तो क्या होता है शून्यांकों का योगफल अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा, अल्फा का मान 4, बीटा का मान धन लिखो माइनस 2 है नहीं, अल्फा का मान 4, बीटा का मान माइनस 2, तो आ जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक, 2 आ गया। मैंने इसके पहले पढ़ाया था शून्यांकों का योगफल क्या था, फार्मूला माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए लिखा हुआ, शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए। तो बी का मान यहां पर क्या है, बी का मान है माइनस 2, तो ऋण माइनस 2, और ए का मान क्या है 1, तो क्या आएगा 2 बटे 1 बराबर 2,
मतलब शून्यांकों का योगफल भी दो आया, और जो फार्मूला होता है शून्यांकों का योगफल माइनस बी बटे ए, तो यहाँ से जो द्विघात समीकरण है उसमें से ए बी का मान भी रखा वो दो ही आया अभी नहीं। और फिर है शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है चार और बीटा का मान ऋण दो आ गया माइनस आठ। ठीक, अब जो शून्यांकों का गुणनफल होता है फार्मूला है सी बटे ए, सी बटे ए, तो यहां पर ए होता है, यहां पर बी होता है, यहां पर सी, सी का मान क्या है माइनस आठ है और ए का मान एक है बराबर माइनस आठ। मतलब आपने शून्यांकों का गुणनफल जो आपका आया था अल्फा बीटा का मान उसका गुणा किया माइनस आठ आया। अब जो फार्मूला होता है शून्यांकों का गुणनफल सी बटे ए, तो सी का मान माइनस एक, ए का मान, ए का मान एक, तो माइनस एट अपान एक बराबर माइनस एट, मतलब यह दोनों क्या है बराबर है। और जो यहां पर आया था आ गया यह और यह, ऐसे आपको सवाल लगाना है। जो पहले द्विघात समीकरण है उससे आपको शून्यक निकालेंगे, जो शून्यक आएगा उसको मान लेंगे अल्फा और बीटा, फिर दोनों का प्लस प्लस वाला फार्मूला प्लस करेंगे जो आएगा उसको लिखेंगे, फिर जो फार्मूला होता है शून्यांकों का योगफल उसको लिख करके करेंगे तो दोनों क्या है इक्वल आएगा। धन्यवाद।